चेक करके देख लेंगे कि हमारी क्वांटिटी जो है बता रहा है नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही है। पहले डोर स्विच को हम चेक करेंगे, डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पे दोनों प्रॉप को रखेंगे, लेकिन इसमें ये डिफ्रोस्ट टाइमर जो है ये वर्क करता है। और पहले तो जब थर्मोस्टेट हम देखते हैं, थर्मोस्टेट को हम फिजिकल पहले देखते हैं कहीं से इसका हमारा सेंसर कूलिंग मोड का है, तो इसको हम चेक करते हैं। हम इसको बीच वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसको दूसरे साइड लगाएंगे, जो तीन पिन है उसके किसी भी एक साइड लगा। गाइस, ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे डबल डोर रेफ्रिजरेटर पार्ट्स चेकिंग के बारे में कि इनको किस तरीके से चेक किया जाता है। पहले आपको बताते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं। एक हमारा डोर स्विच लगा होता है, एक इसमें हमारा बल्ब लगा होता है, थर्मोस्टेट लगता है, डिफ्रोस्ट टाइमर लगा होता है इसमें हमारा, बायोमेटल और फ्यूज लगा होता है, एक हीटर लगा होता है जो हमारे बर्फ को पिघलाने के लगाया जाता है, एक रिले, एक ओएलपी, एक फैन मोटर, ये एसी फैन मोटर है, इन्वर्टर में डीसी लगती है और डिफ्रोस्ट फ्रिज में एसी लगती है, एक हमारा कंप्रेसर लगा होता है। अब आपको आज बताएंगे इसके पार्ट्स किस तरीके से चेक किए जाते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहले मल्टीमीटर को क्वांटिटी पर सेट करेंगे, पहले दोनों प्रॉप को ऐसे करके देख लेंगे कि हमारी क्वांटिटी जो है बता रहा है नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही है। पहले डोर स्विच को हम चेक करेंगे, डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पे दोनों प्रॉप को रखेंगे, दोनों प्रॉप को रखने के बाद में बीप आनी चाहिए, और जैसे हम इसको बटन को बंद करेंगे दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये बीप कटनी चाहिए। अगर ये बीप कट रही है तो इसका मतलब हमारा डोर स्विच सही है। बल्ब को हम 220 वोल्ट एसी देके चेक करते हैं, ये आपको इसको चेक करके दिखाएंगे किस तरीके से इसको चेक करते हैं। अब आते हैं आपको थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट हमारा जो है इस कंडीशन में बीप देना चाहिए, और जब हम इसको बताते हैं आपको, जब हम इसको इसकी बटन इसमें लगे होती है, बटन को जब हम प्रेस करेंगे तब ये बीप नहीं देना चाहिए। अगर ये उस पोजीशन में बीप दे रहा है तो इसका मतलब ये खराब है। ये देखिए बीप कट गई, इसको छोड़ दिया तो बीप आने लगी। ये जो इसमें बटन लगा होता है ये हमारे सिंगल डोर फ्रिज में ये थर्मोस्टेट में लगता है, इसमें जब इसको बटन को दबाते हैं तो हमारा ये बर्फ पिघलाता है, लेकिन इसमें ये डिफ्रोस्ट टाइमर जो है ये वर्क करता है। और पहले तो जब थर्मोस्टेट हम देखते हैं, थर्मोस्टेट को हम फिजिकल पहले देखते हैं कहीं से इसका हमारा सेंसर टूटा या कटा नहीं, अगर टूटा है कटा है तो इसका मतलब ये हमारा थर्मोस्टेट खराब हो चुका है, इसको हटाते हैं। अब आते हैं हम अपने बायोमेटल और फ्यूज पर, फ्यूज हमारा क्वांटिटी बताएगा। ये देखिए अब बायोमेटल हमारा -5 डिग्री से -15 डिग्री के बीच में क्वांटिटी बताता है। अभी अगर ये बाहर आप निकाल के इसको चेक कर रहे हैं और ये क्वांटिटी बता रहा है तो उसका मतलब ये खराब है। अगर इसमें इसके थैली में अगर पानी चला जाए या इसमें मॉइस्चराइजर हो कुछ भी हो तो ये इसका मतलब ये खराब है, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, पानी जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। अब आते हैं डिफ्रोस्ट टाइमर पे, डिफ्रोस्ट टाइमर को इसके इसमें पॉइंट लिखे होते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर हमेशा हमारा न्यूट्रल रहता है और 3 नंबर हमारा हमेशा जो है वो फेस रहता है, लेकिन इसको हम चेक किस तरीके से करेंगे कि ये सही है खराब है, आइए बताते हैं आपको। न्यूट्रल तो उसको छोड़ दीजिए, न्यूट्रल को आप इसको बल्ब भी लगा के चेक कर सकते हैं इसको, तब तो आपको बताते हैं इसमें फेस किस तरीके से चेक करते हैं कि कॉमन पॉइंट हमारा इसमें कौन सा है फेस का। ये देखिए ये जो तीन पिने हैं इसमें हमारा एक डिफ्रोस्ट टाइम मोड का है, एक हमारा फेस है, एक हमारा इसमें कूलिंग मोड का है, तो इसको हम चेक करते हैं। हम इसको बीच वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसको दूसरे साइड लगाएंगे, जो तीन पिने हैं उसके किसी भी एक साइड लगा देंगे बीच वाले प्रॉप पे रख के। देखिए हमारा इसमें बीप दे रहा है और ये हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट दिया होता है इसको हम घुमाएंगे, ये अभी हमारा कूलिंग मोड पे है। जब हम इसको घुमाएंगे एक बार जब आवाज़ आएगी हल्की सी कट की तो वहीं पे इसको छोड़ देंगे, तब ये जो है डिफ्रोस्ट मोड पे जाना चाहिए। अब ये देखिए कूलिंग पॉइंट पे बता रहा था यहाँ से, अभी इस पे नहीं बताएगा, अब ये इस पे बताएगा, अब ये डिफ्रोस्ट मोड पे चला गया, 15 मिनट के लिए हमारा डिफ्रोस्ट मोड पे जाएगा। डिफ्रोस्ट टाइमर का हमारा काम होता है ये 8 से 9 घंटे 10 घंटे हमारा कूलिंग मोड पे चलता है, और हमारा 15 से 20 मिनट
10-15-20 मिनट के लिए ये हमारा जो है डिफ्रोस्ट मोड पर चला जाता है, जिससे कि हमारी जितनी भी बर्फ होती है उसमें ऊपर के सेक्शन में वो सारी पिघला देता है। ये इसका काम होता है। ये देखिए फिर से कूलिंग मोड पे आ गया है। अब ये डिफ्रोस्ट मोड पे नहीं बताएगा। जब ये इसको घुमाएंगे और ये हल्का सा जब कट करेगा, ये देखिए बहुत जैसे कट करता है ये कट हो गया। अब ये डिफ्रोस्ट मोड पे आप इसको चेक करिए तो ये डिफ्रोस्ट मोड पे बताएगा दूसरे साइड, क्योंकि ये फेस देता है ना, अगर इस पर हमने फेस दिया है, ये न्यूट्रल है, तो फेस हमारा कट के कूलिंग मोड पे जाएगा। और जब कूलिंग मोड से जब हमारा कटेगा 8-9 घंटे के बाद में जब कूलिंग मोड से फेस कटेगा तो उठ के ये हमारा डिफ्रोस्ट मोड पे चला जाएगा। अब आपको बताते हैं ओएलपी। ओएलपी हमारी हमेशा ठंडे पे बीप बताएगी, क्विंटलिटी बताएगी। अगर ये गर्म है तो ये बीप नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये ठंडे पे बताएगी। अगर गर्म पे बता रहे तो इसका मतलब ये ओएलपी हमारी खराब है। तो आपको बताते हैं रिले के बारे में। रिले हमेशा हमारी ओम पे चेक होती है और इसकी वैल्यू हमेशा 10 से 33 ओम के बीच में आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसमें 10 से 33 ओम के बीच में आनी चाहिए। अगर उससे कम है तो भी ये खराब है और उससे अगर ज्यादा है तो भी ये खराब है। हीटर को हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, क्लैंप मीटर से, और इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी देकर भी चेक कर सकते हैं। अभी आपको पहले दिखाते हैं कि क्लैंप मीटर से इसको किस तरीके से चेक करते हैं। ये देखिए ये किलो ओम में बता रहा है, 422 किलो ओम बता रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ये किलो ओम में बता रहा है। इसको अभी हम आपको चेक कराएंगे, ये 220 वोल्ट एसी देके भी इसको चेक करते हैं। फैन मोटर हमेशा हमारा 220 वोल्ट एसी देकर ही चेक होता है। कंप्रेसर को आप जब चेक करेंगे तो कंप्रेसर का पहले बार तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालेंगे, और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालेंगे इसमें वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कॉमन पॉइंट पे रखेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू आनी चाहिए। किसी में अगर वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब ये खराब है। आइए आप इसको चेक करवाते हैं, बल्ब, फैन मोटर और अपना हीटर चेक करवाते हैं इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी दे करके कि किस तरीके से वर्क करता है। पहले आपको फैन चेक कराते हैं। अब आपको इसको चेक कराते हैं फैन मोटर किस तरीके से काम करता है। 220 वोल्ट एसी दे दी हमने इसको। अब ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया। आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। बल्ब को भी आप 220 वोल्ट एसी देकर के चेक कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप हीटर को भी 220 वोल्ट एसी देकर के चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप सीखना चाहते हैं कोई भी टेक्निकल काम तो आप आ सकते हैं ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ में। धन्यवाद।